अभी मैं आप लोगों को कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा एंड आई वांट यू ऑल टू वर्क डेडिकेटेडली एज पर दिस स्लाइड। देखिए कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है, जब तक कामयाबी हासिल नहीं हो जाती आप लोग चैन से कैसे बैठ सकते हैं? बॉस को संडे भी चैन नहीं है। क्या यार, सब यहाँ इतना मजा ले रहे हैं और मैं यहाँ पक रही हूँ। अरे वाह, हैंडसम की वीडियो लाइव आ रही है। Help me? Are you fine? और क्या जानती हो उसके बारे में? मैम, मैं उसे पर्सनली नहीं जानती थी, बस उसे फॉलोग्राम पे फॉलो करती थी। फिर वही बात, इतने सारे फोन आ रहे हैं, सबका यही कहना है जानते नहीं है फॉलो करते हैं। अरे भाई, आप लोग जानते नहीं तो फॉलो क्यों कर रहे हैं? वो बहुत हैंडसम दिखता था और मुझे अच्छा भी लगता था, इसीलिए। सर, एसआई जिम के 3 ब्रांचेस को देख लिया सर, वहाँ भी तो कुछ नहीं है। एसआई जिम की 20 ब्रांचेस हैं, सब में देखना पड़ेगा, पता नहीं किस में हो वो। क्या 20 ब्रांच? लगे रहो तुम। ओके ठीक है सर। प्लीज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? प्लीज हेल्प, प्लीज छोड़ दो, छोड़। सर, लड़का काफी पॉपुलर है, फॉलोग्राम पे इसके 23,000 फॉलोअर्स हैं, और कुछ तो लिखा नहीं है सिवाय इसके कि ऐसा जिम में इंस्ट्रक्टर था। छोड़। सर, किलर ने इसका वीडियो फॉलोग्राम पे डाला है, वो भी लाइव, ताकि इसके फॉलोअर्स इसे देख सके। लेकिन सर, आज तो संडे है और एसआई जिम के सारे ब्रांचेस संडे को बंद रहते हैं, फिर ये वहां पहुंचा कैसे? पहुंचा नहीं है पूर्वी, पहुंचाया गया है, वो भी गन पॉइंट पे। आप रेडी? और 2 ब्रांचेस देख लिए मैंने, वहां पे भी कुछ नहीं है। सर, मुझे तो लगता है ये कोई साइको किलर है, वरना ऐसी ही वीडियो बना के इंटरनेट पे कौन डालेगा? एक काम करो, पुलिस को भी इन्फॉर्म करो, वो जितनी भी ब्रांचेस बची हुई है ना वहाँ उनको भेजो, देखो शायद कुछ पता चल जाए। और जितने भी जिम के मालिक हैं सबको कांटेक्ट करो, सारे जिम को चेक करना है जल्दी से जल्दी। सर, एक भी फोटो या वीडियो नहीं है जिससे लोकेशन के बारे में पता चल सके। सर, सब मिल गया। सर, ये फोटोग्राफ देखिए, ये बैकग्राउंड में जो रेस्टोरेंट है, मैं यहाँ पर गई हूँ, ये खार में है। खार? ओके, रेडी? हाँ सर। खार पहुंचो, खार। नो, संभल के।
थोड़ा पहले आते तो शायद बच जाता। सारों के साहब को फोन करो। खिड़की दरवाजे तो सही सलामत है। सारे सीसीटीवी कैमरास भी बंद है। तो फिर धीरज और खूनी जिम के अंदर आया कैसे? सर, धीरज जिम इंस्ट्रक्टर नहीं, मेरा दोस्त भी था और उसके पास चाबी हमेशा रहती थी। वो जब भी चाहे यहाँ आके जिम कर सकता था। प्लीज अपने आप को समझिए। मैं जानता हूँ आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, पर इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। आपको किसी पे शक है? धीरज के किसी से कोई दुश्मनी? नहीं मैम, उल्टा उनको तो सब बहुत पसंद करते थे। बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। ना जाने किसने उनको इतनी दर्दनाक मौत दी। अच्छा धीरज, क्या आप हर संडे जिम आता था क्या? नहीं सर, इनफैक्ट वो तो मुझसे मिलने आए थे, पर फिर उनका फोन आया कि वो पहले वो जिम जाएंगे और उसके बाद मुझसे मिलने आएंगे। ये किस किस को पता था कि आज वो जिम आने वाला है? मुझे नहीं पता। जब वो हर संडे जिम नहीं आता था, इसका मतलब कोई उसका पीछा कर रहा था। हाँ सर, उसे पता था जिम बंद है, कोई रहेगा नहीं यहाँ पे, मौका देखकर मार दिया होगा। अगले महीने हम दोनों की शादी होने वाली थी, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। प्लीज संभालिए अपने आपको, हम वादा करते हैं कि कोनी को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। प्लीज सर, प्लीज। आप लोग प्लीज इनको घर ले जाइए। आ भी जाइए। थैंक यू। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा धीरज को मार सकता है। वो तो बहुत ही अच्छा आदमी था और हर कोई उसको लाइक करता था। इनफैक्ट इस जिम में हर कोई उसकी वजह से आता था। अगर धीरज इतना अच्छा आदमी था और सब लोग उसे पसंद करते थे, तो फिर उसका खून क्यों हुआ? सर, खूनी को पता था कि धीरज काफी पॉपुलर, इसलिए उसने उसका लाइव वीडियो फोलोग्राम पे अपलोड किया ताकि उसे लोग देख सके। लाइव? एक मिनट, ये फोलोग्राम कोई नया चैनल है क्या? सर, फोलोग्राम कोई चैनल नहीं, ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिस पे लोग अपना अकाउंट बनाते हैं और फिर पिक्चर्स और वीडियोस अपलोड करते हैं जिन्हें हर कोई देख सकता है। लेकिन इसे हर कोई कैसे देख सकता है? हम जिसे तस्वीर भेजेंगे वही देखेगा ना? नहीं सर, हम किसी को कुछ नहीं भेजते। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा फॉलोग्राम अकाउंट है। फोन को मैं अपने स्क्रीन से कनेक्ट कर देती हूँ। सर, ये मेरे पिक्चर्स और वीडियोस। सर, मेरे इस पिक्चर को देखिए कितने लोगों ने पसंद किया और नीचे कमेंट्स भी। इनमें से कुछ मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, लेकिन कुछ को मैं जानती भी नहीं, फिर भी लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे पिक्चर्स और वीडियोस देख सकते हैं। इससे तो बहुत अलग नजर आ रही है तुम। ये सब करने के लिए टाइम कैसे मिलता है भाई? सर, ये सब करने के लिए टाइम की जरूरत नहीं है। अभी देखिए, मैं आपकी पिक्चर क्लिक करती हूँ।
और इसे पोस्ट कर देती हूँ। हो गया बस। पूर्वी, अभिजीत सर की ये तस्वीर सब लोग देख सकते हैं? हाँ सर, लेकिन कुछ अकाउंट्स प्राइवेट होते हैं जिन्हें हर कोई नहीं देख सकता, और कुछ ओपन जिन्हें हर कोई देख सकता है। सर इसमें हम वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं, और हाँ सर, इसमें एक लाइव वीडियो का ऑप्शन है जहां पर हम अपने आप को लाइव दिखा सकते हैं। इतना तो तय है कि खूनी धीरज की मौत का खेल सबके सामने खेलना चाहता था। कहां रहेगी? इन्हें फोन तो करूं। कुणाल, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। जरूर कुणाल है। वीडियो, मैं यहाँ बेवकूफ की तरह इनका इंतजार कर रही हूँ, और ये जनाब फोलोग्राम में वीडियो शेयर कर रहे हैं। मेरे क्या बिगाड़ है तुम्हारा? क्या चाहते तुम मुझसे? कुणाल, मुझसे क्या चाहते? ये क्या हो रहा है? कुणाल, तुम कहाँ हो? मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं मारूंगा, इतनी जल्दी नहीं मारूंगा तुम्हें। अरे पागल हूं क्या मैं? अरे अभी तो तमाशा शुरू हुआ है, जरा देखें तो सही कि वीडियो कितना वायरल होता है, इंटरनेट पर कितना तहलका मचता है। मेरी क्या दुश्मनी तुमसे? अरे देखो 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 देखो, अरे देखो दर्शक भी आ गए तुम्हें देखने के लिए। अरे ये कितनी खुशी की बात है, लेकिन तुम इतने खुश क्यों नहीं लग रहे हो? गोली मत चलाना प्लीज। अरे तुम खुश क्यों नहीं लग रहे? तुम तो यही चाहते थे ना कि तुम स्टार बनो, इंटरनेट के स्टार, तुम्हारा वीडियो वायरल हो जाए, शोहरत, नाम, फेमस होना, इंटरनेट का स्टार बना, यही चाहते थे ना तुम? सर ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसे धीरज के साथ हुआ था। तो ये दोनों केसेस आपस में जुड़े हुए तो नहीं है? आप किसी धीरज को जानती हैं? नहीं सर, मैं किसी को नहीं जानती। सर मेरे पति को बचा लीजिए। आप ये बताइए कि आपके पति उनसे बात कब हुई थी आखिरी? आप वो घर आ रहे और एक घंटे तक नहीं आए। सर इन्हें बचा लीजिए सर। ऑफिस कहाँ है उनका? अंधेरी में। सर इसके फोन की लास्ट लोकेशन है जुहू, कोई एक घंटे पहले, उसके बाद से उसका फोन बंद है। वीडियो में ये स्टीम रूम दिख रहा है। स्टीम रूम या तो किसी जिम का हो सकता है या स्पा का। ऐसा नहीं हो सकता सर, ये कभी जिम में नहीं गए थे। कोई किडनैप करके ले गया होगा। ये जहाँ पे फोन बंद हुआ ना, लास्ट लोकेशन जो, उसके आसपास देखो कितने स्पास हैं और ये जिम है। अगर फोन बंद आ रहा है तो वीडियो अपलोड कैसे कर रहा है? सर सिम कार्ड को फोन से निकाल दिया होगा और वाईफाई मोड पे यूज कर रहा होगा, इसलिए उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। जल्दी से जल्दी इस लोकेशन तक पहुंचना ही होगा। सर कुणाल की आखिरी लोकेशन के पास दो स्पा और एक जिम है, जिसमें से एक स्पा रियल हेवनली में फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट, ये जरूर वहीं गया होगा। तुम और पंकज वहां जाओ, हम लोग बाकी जगह जाते हैं, कोई चांस नहीं ले सकते।
तक दो लोगों को बेरहमी से मार चुका है। ना तो हम किसी को बचा पाए और ना खूनी तक पहुंच पाए। इस खूनी को तो छोड़ेंगे नहीं हम, चाहे कहीं भी जाके छुपाओ, ढूंढ के निकालेंगे उसे। लेकिन इन दोनों में कोई कनेक्शन भी नहीं मिला यार, ना ये दोस्त हैं, ना स्कूल कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, ना इनका पेशा। तो जरूर है अभिजीत, वरना कोई इन्हीं दोनों को क्यों मारेगा। कुछ तो कनेक्शन है इन दोनों के बीच में जो हमारी नजर नहीं आ रहा। और सुराग के नाम पे वो वीडियो है, लाइव वीडियो जो खूनी ने खुद पोस्ट किया। सर एक और वीडियो। मतलब एक और खून? नहीं नहीं सर, ये खून नहीं है, ये कुछ और है। ये देखें। सड़क के इस गड्ढे ने बेचारे की जान ले ली, लेकिन यहां पर किसी को पड़ी है? किसी को नहीं। सर ये वीडियो कुणाल ने पिछले महीने अपने अकाउंट पे पोस्ट किया था और ये काफी मशहूर भी हुआ। अच्छा, पर इस वीडियो का क्या लेना देना इससे? सर कनेक्शन, क्योंकि ऐसा ही एक वीडियो धीरज ने भी पोस्ट किया है। ये रहा। एक्सीडेंट हो गया और दो घंटे से ना एम्बुलेंस आई और ना पुलिस। पुलिस ने अगर थोड़ी सी चेकिंग करी होती तो ये इतना बड़ा एक्सीडेंट होने से बच जाता। मतलब ये कि इन दोनों ने एक्सीडेंट में मरते हुए लोगों के वीडियोस अपने फोलोग्राम अकाउंट में पोस्ट किए थे। मौत, वीडियोस और फोलोग्राम। और सर ये वीडियोस वायरल भी हुए और मशहूर। और ऐसी एक वीडियो की वजह से धीरज को टीवी पे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। ये देखिए। वेलकम टू ऑन न्यूज़ मिस्टर धीरज। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर, आई एम सो ग्लैड। तो फिर बताइए अपने उस वीडियो के बारे में जो आजकल बहुत वायरल हो रहा है। सर ऐसा हुआ कि एक दिन मैं सड़क से जा रहा था तो मैंने देखा कि सड़क पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और वहां पर एक आदमी बहुत बुरी तरह जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। तो मैंने उसका वीडियो बनाया ताकि हमारी सरकार जो सो रही है वो जागे। सर इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुणाल का भी इंटरव्यू इसी चैनल पे इसी रिपोर्टर ने लिया था। अच्छा, तो मैंने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड किया ताकि मैं दुनिया को दिखा सकूं। तो ये इंटरव्यू तो आधा है। हाँ सर, ये कुणाल का इंटरव्यू भी आधा ही है। आधा ही पोस्ट किया। फिर तो पूरा इंटरव्यू देखना पड़ेगा। Can I help you? हम लोग CID से हैं। हमें आलोक से मिलना है। आलोक? बताइए, मैं शेखर हूँ यहाँ का एडिटर इन चीफ। हमें आलोक से ही मिलना है, जरा उन्हें बुलाइए प्लीज। हाँ ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं मैं? जी नहीं। ओके, एक्सक्यूज़ेस। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, इस लड़ाई में मुझे आपका भी साथ चाहिए। तो क्या आप सब तैयार हैं इस लड़ाई में लड़ने के लिए, करप्शन के खिलाफ, देश को बदलने के लिए? तो फिर देखते रहिए ओ न्यूज। आज के लिए इतना ही काफी। गुड नाइट और खबरदार। आलोक, CID के लोग आए हैं तुमसे मिलने। क्यों? खुल के कुछ बताया नहीं, लेकिन तुमसे ही मिलना चाहते हैं। प्लीज चलो।
जी हाँ कहिए। आलोक एक मिनट, ये इन दोनों की फोटो देखिए, इनका खून हो गया है, कुछ याद आ रहा है इन्हें देख के? देखे हुए तो लग रहे हैं मुझे। आलोक जी जरा याद करने की कोशिश कीजिए, खून का मामला है। ओके लेते हैं। ओके अब हाँ याद आ गया मुझे, अब ये लोग तो वही ना जिन्होंने लाइव वीडियो बनाया था इस फिल्म के। जी, और आपने इनका इंटरव्यू भी लिया था। वो तो ठीक है, लेकिन मैं इस मर्डर के बारे में क्या बता सकता हूँ? हमें उस इंटरव्यू का पूरा फुटेज देखना है। वेलकम टू होम न्यूज मिस्टर धीरज। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सर, आई एम सो ग्लैड। तो फिर मिस्टर धीरज, आप जानते हैं कि आपको यहाँ पर किसने बुलाया गया? जी सर। तो फिर बताइए अपने उस वीडियो के बारे में जो आजकल बहुत वायरल हो रखा है। सर ऐसा हुआ कि एक दिन मैं सड़क से जा रहा था, तो मैंने देखा कि सड़क पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, और वहां पर एक आदमी बहुत बुरी तरह जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। तो मैंने उसका वीडियो बनाया ताकि हमारी सरकार जो सो रही है वो जागे, और यहां तक कि पुलिस, उसने भी अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया। पुलिस चाहती तो उस हादसे को रोक सकती थी, क्योंकि जो ड्राइवर था वो नशे में था, लेकिन पुलिस ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। तो क्या आपने किया? जी बिल्कुल किया, मैंने वीडियो बनाया, उसको वायरल किया ताकि लोगों को पता चले कि सिस्टम में कितनी खामियां हैं। देखिए मिस्टर धीरज, ऐसा आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, पर मुझे नहीं लगता है, और शायद दर्शकों को भी ना लगे। और यही सवाल है आज का हमारे दर्शकों के लिए कि जो मिस्टर धीरज ने किया उसे आप कितना सही और कितना गलत मानते हैं। ये आया हमारे पहले कॉलर का कॉल। हेलो, मैं विनोद। हेलो मिस्टर विनोद, आप पूछिए अपना सवाल। धीरज, तुम यहाँ पुलिस, सरकार और एम्बुलेंस की गलती निकाल रहे हो। एक्सीडेंट में घायल लोगों को बचाने के लिए तुमने क्या किया? एम्बुलेंस नहीं आई तो तुम खुद उन्हें हॉस्पिटल ले जा सकते थे, मगर तुमने ये नहीं किया। तुम तो वीडियो बना रहे थे, तमाशा देख रहे थे, उन मासूम लोगों की मौत का तमाशा। हाँ कि क्या बात कर रहे हैं वो, मैंने अपना काम किया, उससे किसी की जान बची क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए इस वीडियो से आपको पॉपुलैरिटी मिल सकती है, आपके फॉलोवर्स बन जाए, पर क्या किसी की जान बची? या आपने कोशिश की कि किसी की जान बच सकती थी? देखिए सर, मैंने जो किया मेरे मुताबिक वो बहुत था, मैंने लोगों को जागरूक किया अपने वीडियो के थ्रू, अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? आप उनकी मदद भी कर सकते थे ना, आप यूं हाथ पे हाथ रखकर तमाशा तो नहीं देख सकते थे। चलिए बने रहते हैं इसी मुद्दे पर, और आप अपनी राय दीजिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब जरा कुणाल का इंटरव्यू दिखाइए। तो दोस्तों आज हमारे सामने यहाँ पर बैठे हैं मिस्टर कुणाल। मिस्टर कुणाल, वेलकम टू आवर न्यूज़। और आप हमें ये बताइए कि आपका ये जो वीडियो है जो आजकल काफी वायरल हो रखा है, उसके बारे में कुछ बताइए। सर, सोशल मीडिया पे वही वीडियो वायरल होता है जो चीज दुनिया देखना चाहती है, और मैंने भी वही दिखाया, सड़क के गड्ढे। इस सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा, और उसी समय बाइक बहुत स्पीड में आ रही थी, और उसी गड्ढे के कारण बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, और वो लोग पूरी तरह से जख्मी हो चुके। मैंने तो उसी समय एम्बुलेंस को कॉल भी किया, लेकिन एम्बुलेंस टाइम पर नहीं आई। फिर मैंने उनका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पे अपलोड किया ताकि दुनिया देख सके और उसके खिलाफ आवाज उठा सके। हाँ जी सर, अपना नाम बताइए। राहुल। हाँ तो राहुल पूछिए, आपको क्या पूछना है? कुणाल जी, सिर्फ वीडियो बनाकर पोस्ट कर देने से आपको लगता है कि आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया और कुछ नहीं करना चाहिए था आपको? बिल्कुल सही सवाल किया है आपने मिस्टर राहुल। राहुल जी, मैंने अपना पूरा फर्ज अपनी शिद्दत से निभाया, मैंने उसी समय एम्बुलेंस को कॉल भी किया और वहां पर उनका वेट भी किया। आप खुद भी उन्हें हॉस्पिटल ले जा सकते थे, आपने उनकी मौत का तमाशा बनाया। भूलो मत, हम जो करते हैं वो भरते भी हैं। बिल्कुल सही कहा हमारे दर्शक ने, समाज में फेमस होने की ओर में हम लोग इंसानियत से बहुत दूर होते जा रहे हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण है मिस्टर कुणाल। तो इसी के साथ लेते हम एक छोटा सा ब्रेक, फिर लौटेंगे। सर ये आवाज तो, हाँ दोनों वीडियो में कॉलर एक ही है, नाम अलग अलग है। वो जरा धीरज का वीडियो फिर से दिखाइए।
धीरज तुम यहाँ पुलिस सरकार और एम्बुलेंस की गलती निकाल रहे हो। एक्सीडेंट में घायल लोगों को बचाने के लिए तुमने क्या किया? सेम। इस आदमी की डिटेल्स हमारे रिकॉर्ड्स में, इसका नंबर हुआ। गुड, हमें इस आदमी का फोन नंबर चाहिए। सर, खूनी ने वीडियोस देखे और वो इन दोनों से चिढ़ गया सर, इसीलिए उसने दोनों के इंटरव्यूज में फोन किया और उन्हें बातें भी सुनाई और उन्हें उसके बाद मार दिया सर। लेकिन सर, ये वीडियोस तो वायरल थे, न जाने कितने लोगों ने देखे होंगे। खूनी कौन है ये कैसे पता चलेगा? और उसका ये नंबर, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं चला। अरे ये तो वही फोन नंबर है। हेलो, इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ। हाँ, जानता हूँ। और ये भी जानता हूँ कि तुम लोग मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो तुम ये भी जानते होगे कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्या सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो समाज का कचरा साफ कर रहा हूँ सर। जिन लोगों की यहाँ जरूरत नहीं है उन लोगों को यहाँ से हटा रहा हूँ। और मुझे थैंक्स कहने की बजाय आप लोग मेरे ही पीछे पड़ गए, मुझे ढूंढना चाहते हैं, मुझे पकड़ना चाहते हैं। नहीं सर, दैट्स नॉट राइट ना। अरे हाँ, एक चीज और, ये जो आप मेरा फोन ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मत कीजिए। कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं हाथ आएगा। काफी घमंड है तुम्हें अपने ऊपर? नहीं सर, घमंड नहीं, विश्वास। क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सही कर रहा हूं, कुछ गलत नहीं है इसमें। अरे हाँ, अब आप लोग तो मेरे वीडियोस फॉलो ही करते होंगे, तो चलिए फॉलोग्राम से एक और अकाउंट लिंक भेजता हूं आपको। एक नया वीडियो, ताजा तरीन, थोड़ी ही देर में होगा आपके पास। जस्ट एंजॉय। हेलो हेलो, पूर्वी जरा ये अकाउंट देखना। सर। करने जा रहा है। ये जगह कौन सी है? बड़े चालाक से शूट किया है। वे में कुर्सी और बर्फ के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। सर, बर्फ पिघल रही है। चेयर तो किसी ऑफिस या स्कूल की लग रही है। सर, यहाँ पर तो इतने सारे स्कूल थे, ये कैसे पता चलेगा सर कहाँ पर है ये? हमारे पास तो वक्त भी नहीं है। छोड़ दो। एक मिनट, जरा जूम करना। हाँ। चेयर पे जूम करो। उसके बाएं हाथ पे हैंडल पे पीपीटी कॉलेज, पता करो। सर, पीपीटी शासकीय विद्यालय, ये गोलपाड़ा में है सर। गोलपाड़ा, we'll be right back.
चेयर पे जूम करो। पीपीटी चेयर तो वही है, फिर आदमी कहां गया? यहां तो सब खाली है, वीडियो में तो यही दिख रहा था। ओह नो, एक और वीडियो। हाँ, हार गई सीआईडी, हार गई सीआईडी की टीम, हार गई और मेरी टीम जीत गई। अरे इसीलिए तो देश का बुरा हाल है, क्राइम रेट देखो कहां पहुंच रहा है, आसमान छू रहा है। पुलिस सीआईडी किसी काम की नहीं है, यूजलेस बकवास हो गए। अरे भाई मैं तो समाज का भला कर रहा हूं और आप लोग हैं मुझे थैंक यू कहने के बजाय मुझे ही ढूंढ रहे हैं, मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सीआईडी की टीम हार गई, मैं जीत गया। क्या हुआ अश्कुर? दया ये देखो, ये पहचाना? सब यहाँ ऑफिस से कोई बाहर नहीं जाएगा प्लीज, खूनी यहाँ इसी बिल्डिंग में। पर हुआ क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्डिंग के चारों तरफ तो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, फिर गार्ड्स भी यहाँ पर, ऐसे में कोई कैसे अंदर घुस सकता है? हो सकता है खूनी तुम में से ही कोई हो। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैम मामला थोड़ा सीरियस है, आप ये कुछ भी कह सकते हैं। देखिए हमारे पास टाइम बहुत कम है, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। खूनी ने वीडियो में भेजा, उस वीडियो में आपका न्यूज चैनल का लोगो दिख रहा है। ये देखो, ऐसा कोई कमरा है आपके पास? छोटा सा कमरा? अच्छा हाँ, वो कमर्शियल स्टूडियो, स्टूडियो नंबर 6 ना, देखो छोटा वाला, सीधे जाके राइट में। चलिए चलिए। नहीं आप लोग यहीं रुके, इनको कहीं जाने मत देना, आप पीछे आइए, आप सब पीछे आइए। अरे लेकिन हुआ क्या? वो भी हुआ है सर, आके आपको बता देंगे। संभाल के चेर, 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 चेर। बैठो। अरे लाइट का क्या हुआ? लाइट देखना, ये दरवाजे बंद करो, कोई बाहर नहीं जाएगा। सर कौन है? पकड़ो उसे। बहुत हो गया तेरा खेल। सर हमारा है पंकज, लाइट का क्या हुआ? सर देख रहा हूँ सर। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा? सर वहाँ मुझे कोई मारने की कोशिश की, देखिए ना सर, ये देखिए ना, मुझे मारने की कोशिश कर रहा था कोई वापस। क्या तुम थे सबके पीछे, इन सबका खून तुमने किया है? अरे इनके वीडियो को इन्हीं के अकाउंट पे पोस्ट किया।
शौक है ना तुम्हें लाइव वीडियो बनाने का, आज दुनिया तुम्हें लाइव देखेगी। बताओ क्यों किया तुमने ये सब? क्योंकि वो इसी लायक थे सर। जिन लोगों में इंसानियत नहीं है, जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, जिन्हें सिर्फ सोशल मीडिया पर फेमस होना होता है, किसी को मरता हुआ छोड़ सकते हैं, किसी की मौत का बिजनेस कर सकते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ सोशल मीडिया में फेमस होना है, उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है सर। मैं जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, मैंने मारा धीरज को, मैंने मारा कुणाल को। तुम्हारी बात गलत नहीं है, तरीका गलत है। क्या गलत किया मैंने? क्या गलत किया मैंने? अरे जरा उन लोगों को भी तो पता चले जो लोग मौत के कगार पर खड़े रहते हैं, जिन्हें मदद की उम्मीद होती है लेकिन सामने खड़े लोग बस उसकी मौत का तमाशा बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, अपलोड करते हैं। उन्हें भी तो पता चले कि आखिर वीडियो बना के अपलोड करने में मजा क्या आता है। सर, मेरी भी 15 साल की बेटी थी, रोड एक्सीडेंट में घायल हो गई थी, बड़ी बड़ी चीखती रही, चिल्लाती रही मदद के लिए, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं रुका। वो लोगों ने वीडियोस बनाए सोशल मीडिया में अपलोड करने के लिए। वो बच सकती थी सर, उसकी उम्र नहीं थी मरने की। मेरी बेटी बच सकती थी और वो तमाम लोग बच सकते थे जिन लोगों के वीडियोस अपलोड हुए। आजकल के नौजवानों के लिए, आजकल की पीढ़ी के लिए सब कुछ महज सोशल मीडिया है, बस दैट्स इट। शेखर, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी के बदले किसी की जिंदगी लेना सही है। अगर सही होता तो हमने तुम्हें यहां गोली मारी होती। हर गुनाह के लिए सजा देने का हक सिर्फ कानून का होता है, हम सबका नहीं। जरे ठंडे दिमाग से सोचो तो, उन लोगों को मार के क्या तुम्हारी मरी हुई बेटी वापस आई? हाँ, नहीं। क्या वो लोग जो एक्सीडेंट में मारे गए, वो लोग वापस आए? वापस तो तुम भी नहीं आओगे। दो खून किए तुमने, बाकी की उम्र जेल की सलाखों के पीछे ही कटेगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।